हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सलमान खान की तारीफ वैसे तो हर कोई करता है, लेकिन वो जॉनी ब्राइम ने हाल ही में बहुत अलग ढंग से तारीफ की है। और रिपोर्टर आई थिंक बॉलीवुड लाइफ में कई सारे सवाल पूछ रही थी सलमान खान जॉनी ब्राइम से और डायना पेंटी से, और सवालों का जवाब देते हुए पूछा गया कि आई थिंक रस्सी बम कौन है। तो जवाब दिया कि कंगना रनावत है। फिर जॉन से पूछा गया कि आपको क्या लगता है एटम बम कौन है बॉलीवुड का, तो एटम बम के हिसाब से जो जवाब दिया है वो सलमान खान दिया है। जी हाँ, वो इसलिए रीजन भी दिया उन्होंने जॉन इब्राहिम ने, उन्होंने कहा कि एटम बम इसलिए है सलमान खान क्योंकि जो भी वो करते हैं वो बड़ा हो जाता है ना, लाउड नॉइज करता है, बहुत आवाज करता है जो भी वो करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब लोग उसको देखते हैं सुनते हैं बस करता है, मतलब बहुत सारी चीजें देखते हुए बहुत अच्छा आंसर दिया है। मेरे हिसाब से सलमान खान ऑफ कोर्स जो उन्होंने कहा है, बोलते ना बड़ा धमाका है बॉलीवुड के लिए, और जो कुछ भी करते हैं वो अपने आप में ग्रैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से एक सोचा समझा आंसर जरूर था जॉन इब्राहिम का, लेकिन एक अच्छा आंसर था। और जहां तक जॉन इब्राहिम और सलमान खान की इक्वेशंस की बात करें तो बहुत ही कम आई थिंक वो लोग साथ में नजर आए हैं उनका, आई थिंक कुछ है ना कई सालों से है प्रॉब्लम ऐसा में भी आई थिंक, तो आप बहुत ही कम देखोगे वो दोनों एक दूसरे के बारे में अगर बोलते हो बहुत ही कम देखोगे। चलिए आपकी अब क्या है जरूर बताइए, क्या सही में सलमान खान एटम बम है बॉलीवुड के या नहीं जरूर बताइए। चलिए कल इतना ही।